फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति एजुकेशनल सेंटर। आज मैं सिंस और फॉर मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन की बात करूंगी कि कहां हमें सिंस लगाना होता है, कहां हमें फॉर लगाना होता है, और मोस्टली इनका यूज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है जहां से हमें टाइम दिया जाता है। तो हम सिंस का यूज कहां करते हैं, फॉर का यूज कहां करते हैं, इसमें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलना, जिससे आप कोई भी वीडियो को मेरी मिस नहीं करोगे। तो देखते हैं सिंस और फॉर का यूज। सिंस और फॉर का यूज देखिए। सबसे पहले सिंस मैंने क्या लिखा है इधर, पॉइंट ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसका मतलब लेकिन क्या होता है तो वो मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करिए मैं किसी भी या टाइम की बात कर रही हूँ, ये मैंने 3 o'clock हो गया, ये 4 o'clock हो गया, ये 5 o'clock हो गया, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ये 6 o'clock हो गया, ठीक है, इस टाइम से मेरा टाइम हो गया। अब मुझे एक टाइम को शो करने के लिए सिंस कब लगाना है, फोर कब लगाना है, ये मेन पॉइंट हो गया। और यही पर स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आ जाती है, इसकी बात नहीं है। ये देखिए, अब मैंने लिखे पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं किसी चीज को ऐसे बोलती हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 3 o'clock, तो ये पॉइंट पर मैंने निशाना कर दिया, एकदम पॉइंट को मैंने शो कर दिया, पॉइंट शो हो गया, डेफिनेटली यहां से मेरा वर्क स्टार्ट हो रहा है, मैं 3 o'clock से अपना काम कर रही हूँ। तो इस यहां पर हम यूज करेंगे सिंस 3 o'clock। इसमें मैंने और कुछ भी नहीं किया, बस मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, कहां से हो रहा है मेरा काम, देखिए देखिए किधर, कहां से हो रहा है मेरा काम, इधर से, 4 o'clock, ठीक है। अच्छा, अब फॉर, इसके अपोजिट क्या होता है फॉर, यहां पर मैंने लिखा लेंथ ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं पकड़ता है, ये पूरा कैलकुलेट करता है, मतलब फॉर जो है ज्यादा काम करता है सिंस। कैसे, मैं 4 o'clock से, सपोज मैं 2 o'clock से काम कर रही हूँ और मुझे अभी 6 o'clock हो गया है, मेरा काम अभी भी चल रहा है, लेकिन मुझे कहना होगा तो मैं आई हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर, अब 2 से लेके 6 तक भी ये विचार पहले काउंट करेगा, 1 2 3 4 4 hours हो गए, 2 o'clock से स्टार्ट किया, 6 o'clock, 4 hours, तो ये ऐसे नहीं बोलेगा 2 o'clock से स्टार्ट किया, क्या बोलेगा, 4 घंटे से मैं अपना काम कर रही हूँ, आई हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 4 hours, या फॉर 5 hours, 6 hours, 2 minutes, 3 minutes, ये ऐसे करके काउंट करेगा, 2 से 6, 1 2, 4 घंटे हो गए, तो 4 घंटे से, तो ये तो होगा 4 hours, और ये बोलेगा सिंस 2 o'clock, ठीक है। मैंने 2 बजे से वर्क स्टार्ट किया है, अभी 6 बज चुके हैं, तो सिंस को कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो ये मतलब है 2 o'clock से किया है, तो ये क्या बोल देगा, सिंस 2 o'clock, लेकिन इसको मतलब है, पहले ये सोचेगा अभी कितना टाइम हो चुका है, काम तो चल रहा है लेकिन अब तक का कितना टाइम हो चुका है, 2 o'clock, 6 o'clock, तो ये काम काउंट करेगा 2 से 3 4 5 6, यानी 4 hours हो गए, तो इसलिए ड्यूरेशन बताता है और ये बताता है जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे होता है सिंस और फॉर में डिफरेंस। तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2018, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 months। अगर मुझे इसको करना होगा 2018 से वो रह रही है, तो मैंने टाइम पॉइंट बता दिया, 2018 से रह रही है, वो कितने टाइम से रह रही है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हाउ मैनी का जो कॉन्सेप्ट है वो फोर लेता है, ये जस्ट लेता है स्टार्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 months, 5 महीने से रह रही है, ये लेता है कब से रह रही है, ठीक है। व्हेन भी छोड़ दिया, हाउ लॉन्ग, ये सॉल्व करता है हाउ लॉन्ग, कब से, और ये सॉल्व करता है हाउ मैनी को, सिंपल, हाउ लॉन्ग को सॉल्व करेगा सिंस और हाउ मैनी को सॉल्व करेगा फॉर। जैसे कि देखिए, अब यहां पर देखिए 10 o'clock, सिंस 10 o'clock, या फिर सिंस मॉर्निंग या इवनिंग, कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कोई भी जहां पर काउंटिंग नहीं करनी पड़ रही, तो इसी के अपोजिट हम यहाँ फॉर के लिए कब लगाते हैं, जब मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 2 hours, फॉर फ्यू सेकेंड, इस टाइप से हम यूज करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ बात करते हैं डे की, सिंस फ्राइडे, सिंस यस्टरडे, कोई भी डे लिख लीजिए, सिंस सैटरडे, सिंस थर्सडे, सिंस ट्यूजडे, और यहाँ पर डेज को कैसे लिखेंगे, काउंट करके, फॉर 3 days, फॉर 5 days, तो इसने बता दिया फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 3 days,
सेंचुरीज. हाउ लॉन्ग का सॉल्व काम करना है सिंस का, और हाउ मेनी काम करना है सॉल्व, वो है फॉर का. अच्छा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें हमें नंबर में नहीं दिया जाता, ठीक है, इसमें हमें कुछ उसमें दिया जाता है फॉर लॉन्ग टाइम, इनडेफिनेट टाइम के लिए. अब फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत ही एक लंबे समय से, इसमें हमें काउंट नहीं हुआ कि इतना लंबा समय हो गया, हमने काउंट करना भी उसको छोड़ दिया, तब भी हम फॉर का यूज करते हैं. फॉर टू ईयर्स, क्योंकि आ तो ड्यूरेशन ही रहा है, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर फ्यू मिनट्स. अगर आपको डायरेक्ट यह नंबर ना दिया जाए, ठीक है, वर्ड से पहले नंबर ना दिया जाए, तो भी आपको फॉर का ही यूज करना है. फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर फ्यू सेकेंड, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस टाइप से. लेकिन वो ड्यूरेशन तो दिया गया है, बजाय इसके वो नंबर से रिप्रेजेंट ना करने के बजाय किसी वर्ड से रिप्रेजेंट कर दिया. तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा सिंस ऑफ फॉर का यूज. अब आप कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी तक की किसी भी वीडियो में डाउट है, तो प्लीज मेरे मुझे मेल कीजिए. मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. So we'll meet you in next session. Till then, bye bye. Take care.